बिस्मिल्लाम्स नाइन्थ क्लास आज है हमारा चैप्टर नंबर थ्री लेक्चर नंबर फोर जिसमें हम डिस्कस करेंगे हर पीरियड को पीरियड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को और पीरियड के नेम क्या होते हैं उनमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है उनकी सबसे पहली बात तो ये है बच्चा के पीरियड क्या होते हैं हम बार बार कहते हैं लेफ़्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट the horizontal rows of the elements are called as period left to right the horizontal rows of element in modern periodic table are called as period aur hum bar bar kehte hain ki there are seven periods in the modern periodic table modern periodic table mein total kitne periods hain saat जिन में जो सबसे पहला पीरियड है पीरियड नंबर वन उसमें मैंने बताया था कि दो एलिमेंट्स होते हैं ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम पहले पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं इसलिए उसका नाम है शॉर्ट पीरियड और बचा नेक्स्ट है सेकंड एंड थर्ड पीरियड सेकंड एंड थर्ड पीरियड दोनों में टोटल एट एट एलिमेंट होते हैं एट ही सेकंड में होते हैं एट ही थर्ड में होते हैं सो so हम इस पीरियड को कहते हैं नॉर्मल पीरियड नॉर्मल पीरियड्स पीरियड फर्स्ट जो है First period, first period is called as short period. Second and third period, they contain eight eight element in each and called as normal period. Period fourth and fifth, they also contain eighteen eighteen element in each, so they are called as long period. Long period. पीरियड फोर में भी बचा एटीन एलिमेंट है फिफ्थ में भी एट एलिमेंट है सो so हम दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं लॉन्ग पीरियड पीरियड सिक्स और सेवन जो होते हैं उनमें एलिमेंट्स होते हैं थर्टी टू इन ईच थर्टी टू ही सिक्स में है और थर्टी टू ही सेवन में है ये बहुत बड़ा पीरियड होता है इसलिए हम इसको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड पीरियड नंबर सिक्स जो है बच्चा वो कंप्लीट है लेकिन पीरियड सेवन जो है वो इन प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं है वो इनकम्प्लीट है तो हम कहते हैं कि सिक्स वेरी लॉन्ग है उसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं सेवंथ में होने तो थर्टी टू ही चाहिए लेकिन उनमें से कुछ अभी अनडिस्कवर है अगर बच्चे हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल देखें तो पीरियड वन में देखें टू एलिमेंट्स हैं पीरियड टू एंड थ्री बोथ कंटेन एट एट एलिमेंट्स इन नीच पीरियड फोर एंड फाइव दे contain एटीन elements इन नीच सिक्स एंड सेवन कॉन्टेन थर्टी टू एलिमेंट्स अब अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे पास हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन यहाँ पे भी एक है एटीन आ सीरीज ऑफ फोर्टीन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज लेंथानाइट एंड एन अदर सीरीज ऑफ फोर्टीन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टानाइट बच्चा असल में पीरियड फोर पीरियड सिक्स और सेवन का ही हिस्सा है लेथेनाइड्स पीरियड सिक्स का हिस्सा है देखें इन्हें स्टार से शो किया गया है एक्टेनाइड्स जो है वो पीरियड सेवन का हिस्सा है लेकिन उन्हें पीरियडिक टेबल में बॉटम में जगह दे दी गई क्यों क्योंकि उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस नहीं थी दूसरा जो यहां पे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं लेथेनाइडस एंड एक्टेनाइड्स की 14-14 एलिमेंट्स -14 की सीरीज इनके जो वैलेंस सब शेल्स होते हैं बचा वो होते हैं एफ बचा यहां पे जो एलिमेंट है वो है लेनम जिसको हम बाद में कहते हैं लेंथनाइड सीरीज यहां पे जो एलिमेंट है वो है एक्टनम लेंथनम का एटॉमिक नंबर होता है फिफ्टी सेवन का होता है 89 57 के बाद 14 एलिमेंट की सीरीज आती है और एक्टानम के बाद भी 14 एलिमेंट की सीरीज आती है पीरियोडिक टेबल में स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इन्हें पीरियोडिक टेबल के बॉटम में जगह दे दी गई लेंथनम फिफ्टी 57 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके बाद सीरीज है 14 एलिमेंट की दैट इज कॉल्ड एज लेंट एक्टिनम एक्टेनम जी एटोमिक नंबर इज एटी नाइन एंड देन अ सीरीज ऑफ फोर्टीन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टेनाइट बच्चा ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक क्यों है क्योंकि इनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एकोमोडेट करते हैं इन द एफ सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में एकोमोडेट करें तो हम वो कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लाइक like, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में अकोमोडेट कर लें तो हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं अगर पी में अकोमोडेट करें तो हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं अगर वो डी में अकोमोडेट कर जाएं तो हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसी तरह लेंथेनाइड्स और एक्टोनाइड्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन थे वो अकोमोडेट कर रहे थे इन द एफ दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रुप ग्रुप क्या होते हैं हमने बार बार बात की कि द वर्टिकल कॉलम द टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एस ग्रुप्स एलिमेंट्स के टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम उसको कोई ग्रुप कह देते हैं और पेरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं एटीन अगर हम उन्हें नंबरिंग करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो, तो हमारे पास टोटल एटीन ग्रुप्स हैं बचा कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज होने की वजह से हमने उन्हें कुछ कॉमन नेम दे दिए हैं लाइक ग्रुप वन को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन हमेशा एनएस वन होती है उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में अकोमोडेट करते हैं और वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप टू जो होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होती है एन एस टू और बचा ग्रुप सेवनटीन का नेम है हेलोजन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एनएस टू एनपी फाइव नेक्स्ट है नोबल गैसेस ग्रुप एटीन के मेंबर्स और ग्रुप एटीन के मेंबर्स के वैलेंस सेल कम्पलीटली फिल्ड होते हैं सो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एनएस टू एनपी सिक्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एट और दो या आठ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में हों तो दिस इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी बजा ग्रुप वन के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हम कहते हैं दे कंबाइन विद द वाटर एंड दे फॉर्म अल्कलीज वो अल्कलीज बनाते हैं सो दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन मेटल्स या हम उन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप टू के मेंबर्स जो हैं वो भी अल्कलीज ही बनाते हैं वैन दे कम्बाइन विद वाटर लेकिन वो अबंडेंटली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं जमीन की सतह में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं सो हम उन्हें कहते हैं कि दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो ग्रुप सेवनटीन के मेंबर हैं बच्चा दे आर कॉल्ड एज हेलोजेंस हेलोजें उन्हें क्यों कहते हैं क्योंकि बच्चा उनकी नेचर होती है साल्ट फॉर्मिंग वेन दे कम्बाइन मेटल्स ग्रुप सेवनटीन के जो मेंबर होते हैं वो असल में होते हैं नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स वेन द नॉन मेटल्स कंबाइन विद ग्रुप वन एंड ग्रुप टू दे आर द अल्कलीज एंड दे आर द मेटल्स मेटल्स कंबाइन विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म द सालस वो क्या बना देते हैं साल्ट साल्ट बनाने की वजह से हम उन्हें कहते हैं कि दे आर हेलोजन्स तो ग्रुप सेवनटीन के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस ग्रुप एटीन के जो मेंबर हैं उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं नोबल गैसेस क्यों कहते हैं क्योंकि उनके वेल सेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करती उनके अपने बिहेवियर होते हैं सो दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस अगर हम बात करें ग्रुप वन की तो ग्रुप वन के मेंबर होते हैं बच्चा हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रोबेडियम सीजियम फ्रेंचियम लेकिन हाइड्रोजन गैस है बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं सो दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स नेक्स्ट ग्रुप टू के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सेट्रोनशियम बेरियम एंड रेडियम जो ग्रुप सेवनटीन के मेंबर हैं बच्चा हम उन्हें कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन बरोमीन आयोडीन एस्टाटीन नेक्स्ट है ग्रुप एटीन के मेंबर्स जिनको हमने कहा आर द नोबल गैसेस वो होते हैं हीलियम नियॉन आर्गोन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है बच्चे उसमें दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं ग्रुप वन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप वन टू थर्टीन से लेके एटीन तक दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स लेकिन यहां से लेके ग्रुप नंबर थ्री से लेके ट्वेल्व तक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह लेते हैं हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में अकोमोडेट करते हैं सो दे आर कार्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हुए ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप ट्वेल्व तक एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन डी सबशेल सो दे आर कार्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दे आर कार्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो पेरियॉडिक टेबल में दो तरह के एलिमेंट्स हैं एक होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स दूसरे होते हैं ट्रांजिशन नॉर्मल एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर वन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एंड एटीन आते हैं ट्रांजिशन में बचा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तक आ जाते हैं अल्लाह